धीरे धीरे जाना। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद। ये ज्वेलर्स का फर्नीचर कंप्लीट हो चुका है, तो ये बाहर का बोर्ड अभी नेम लगना बाकी है, नेम प्लेट, और कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अभी अंदर लेके चलते हैं, तो आप देखिए नज़ारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसका साइज क्या है टोटल आपको जानकारी मिलेगी, खर्चा कितना है वो भी जानकारी मिलेगी। अब आप देखिए लाइटिंग सीलिंग के अंदर, और यहाँ पे डिस्प्ले है, ऊपर डिजाइन लिया है, और जो बीच में है उस वहाँ पे स्टैचू। यहाँ पर बैठक है, और ये यहाँ पर भोजन भी है। इधर मिरर लिया, यहाँ पर एसी लगा है, इधर ये मंदिर है। और अब आपको लेके चलते हैं अंदर। ये नीचे दरवाजा लिया है, और ऊपर पूरा डिस्प्ले है। दरवाजे को बंद कर दो, आवाज आएगा। वायरिंग का कंप्लीट हो रहा है, कनेक्शन चालू। और यहाँ पर बैठक लिया, ये दुकान के ओनर है, इनको आप पूछिए हमारा काम कैसा लगा। गणेश भाई दो बात कही आप, नहीं सही है। क्या सही है? काम का सही है क्या है? इधर देखो ना, काम का सही है, आपका अनुभव भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अभी ये इनको अनुभव लग रहा अच्छा, तो काफ़ी संतुष्ट है। हमने कोशिश किया संतुष्ट करने का, उसी हिसाब से जैसा इनका रिक्वायरमेंट था, बजट था, उसी हिसाब से हमने फर्नीचर बनाया है। तो ये रमेश मिस्त्री मिरर के अंदर दिख रहा है आपको, वही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। इस दुकान की साइज है 10 फुट बाई 15 फिट की है, उसमें तकरीबन खर्चा टाइल्स से लेके फर्नीचर के समथिंग, सेफ्टी ग्रिल टोटल लाइटिंग वाइटिंग मिला के 10 लाख के समथिंग एवरेज इसका खर्चा आया है। तो आप किसी को अगर गुजरात में ज्वेलर्स का या बॉम्बे नज़दीक महाराष्ट्र गुजरात में अगर किसी को फर्नीचर बनाना है या राजस्थान में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी स्टेट में तो हम आ नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, फिर मिलते हैं। अच्छा, सब सीने बंद हो दिया।